माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम जानेंगे चेकबॉक्सेस का उपयोग करके पेमेंट स्टेटस अपडेट करना। यहाँ डेटा टेबल में आप देखेंगे कस्टमर्स की पेमेंट्स की डिटेल्स दी गई हैं। रिमार्क्स में सभी कस्टमर्स की पेमेंट्स अभी पेंडिंग हैं। जिस भी कस्टमर की पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो उसके सामने बने चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो यहाँ रिमार्क ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे हम ये फर्स्ट कस्टमर के सामने बने चेकबॉक्स को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमार्क आ गया है पेड और सेल का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। इसी अन्य को चेक करेंगे यहाँ से, ये तीसरे कस्टमर के सामने बने चेकबॉक्स को हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिमार्क आ गया है पेड। अनचेक करेंगे तो वापस से रिमार्क आ जाएगा पेंडिंग। यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमार्क आ गया है पेड। ये कैसे संभव है आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमने सैंपल डेटा पहले से ही लिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पेमेंट स्टेटस अपडेट करने के लिए चेकबॉक्सेस इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमें जाना होता है डेवलपर टैब पर, परंतु बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब हिडन होता है। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड विंडो में डेवलपर के सामने बने चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। क्योंकि हमने डेवलपर टैब को पहले से ही इनेबल किया हुआ है तो हम यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। चेकबॉक्सेस को इंसर्ट करने के लिए यहाँ डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ चेकबॉक्स फॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेल के अंदर चेकबॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इसको सेल के अंदर, इस तरह से साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे और सेंटर में कर लेंगे। चेकबॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करके टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। इस तरह से चेकबॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे, इस तरह से फिर से चेकबॉक्स वाली सेल में क्लिक करेंगे इस तरह से और यहां से ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे तो बाकी सभी सेल्स में भी चेकबॉक्सेस आ जाएंगे। आपको अलाइन करने की भी जरूरत नहीं है, सभी अलाइन हो जाएंगे। अब ये फर्स्ट चेकबॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ फॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेल लिंक में हम सेम सेल को सेलेक्ट कर देंगे, इस सेल को, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा और अनचेक करेंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। चेक करते हैं इसको, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से हम सभी चेकबॉक्सेस को लिंक कर लेंगे सेम सेल्स के साथ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, इस सेल में क्लिक करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह से हम सभी को जल्दी से कर लेते हैं। तो हमने सभी चेकबॉक्सेस को सेल्स के साथ लिंक कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये ट्रू या फॉल्स यहाँ पर लिखा हुआ ना दिखे। इसके लिए हम यहाँ इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर करेंगे वाइट। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रू लिखा हुआ या फॉल्स लिखा हुआ यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब सभी चेकबॉक्सेस को एक बार सिलेक्ट करके अनसिलेक्ट कर देंगे, इससे क्या होगा यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा सभी जगह पर, क्योंकि हमने हाइड किया हुआ है तो यहाँ पर फॉल्स नहीं दिख रहा है। यहाँ से फॉन्ट हम चेंज कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जगह पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। चेक करेंगे वापस से इसको तो आप देखेंगे ट्रू लिखा हुआ आ गया है। फिर से हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ गया है फॉल्स। यहाँ से फॉन्ट कलर करेंगे हम वाइट फिर से। अब यहाँ रिमार्क वाली सेल में क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और रिमार्क के लिए हम यहाँ पर इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर। इफ फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये सेल बराबर है ट्रू के, यानी यदि सेल में लिखा हुआ है ट्रू तो यहाँ पर हम ट्रू टाइप करेंगे
कॉमा लगाएंगे तो यहां पर रिमार्क लिखा हुआ आ जाए पेड, तो हम यहां डबल कोटेशन के अंदर पेड टाइप कर देंगे। डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यदि ये कंडीशन मैच नहीं होती है, यानी इस सेल में यदि ट्रू नहीं लिखा है, तो यहां पर रिमार्क आना चाहिए पेंडिंग, तो हम यहां डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर देंगे पेंडिंग। डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पर रिमार्क आ गया है पेंडिंग। जैसे ही हम यहां इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो यहां पर रिमार्क आ जाएगा पेड। चेक करते हैं इसको, ये आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर रिमार्क आ गया है पेड। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ड्रैग करके फॉर्मूले को नीचे तक ले आएंगे, बाकी सभी सेल्स में भी फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से सेंटर कर देंगे इस तरह से। अब जिस भी चेकबॉक्स को चेक किया जाएगा तो यहां पर रिमार्क ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यहां पर रिमार्क आ गया है पेड। किसी को भी आप चेक करेंगे तो यहां पर रिमार्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा पेड। अब इन सेल्स को यहां से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहां टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम टाइप कर देंगे पेड, और यहां क्लिक करेंगे हम कस्टम फॉर्मेट पर, यहां फिल पर क्लिक करेंगे, यहां सिलेक्ट कर रहे हैं हम ग्रीन कलर, आप कोई अन्य कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे हम व्हाइट, यहां से फॉन्ट करेंगे बोल्ड और यहां से ओके कर देंगे। अब जिस भी सेल में पेड लिखा हुआ आएगा वो सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी, यहां से ओके करेंगे। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंस पर क्लिक करेंगे और इस बार हमें उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिन सेल्स में लिखा है पेंडिंग, तो यहां पर हम टाइप कर देंगे पेंडिंग, क्योंकि यहां पेंडिंग वाली सेल्स में हम यही कलर रखना चाहते हैं, तो यहां से कर देंगे ओके। यहां से ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए हम यहां व्यू पर क्लिक करेंगे और ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहां से ग्रिड लाइंस हट गई हैं। अब जिस भी चेकबॉक्स को आप चेक करेंगे तो उसके सामने रिमार्क ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम ये सेकेंड कस्टमर के चेकबॉक्स को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेटस आ गया है पेंड। अनचेक करेंगे तो यहां पर स्टेटस आ गया है पेंडिंग। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप चेकबॉक्सेस का उपयोग करके पेमेंट स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।